हेलो डियर स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल रीड आउट चैप्टर नंबर नाइन ऑफ जोग्राफी ऑफ क्लास सेवन लाइफ इन द ट्परेट ग्रास आज हम पढ़ेंगे ग्रास के बारे में तो आइए शुरू करें जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रास लैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ बच्चों जैसे हम फॉरेस्ट जंगल के बारे में एक डिफ़ाइन उसको ऐसे कर सकते हैं उसकी परिभाषा बता सकते हैं फॉरेस्ट की कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर पेड़ जो होते हैं वृक्ष जो हैं मेन वेजिटेशन है वैसे ही ग्रासलैंड को अगर हम डिफाइन करें तो ग्रासलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो घास है वो ही टाइप ऑफ प्लांट है मतलब वही ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे घास तो इसलिए इसका ना ग्रासलैंड इसलिए grasslands makes up almost a quarter of the total land surface ab jitna prithvi pe jitna dharti land surface hai total uska jo ek tihai hai wo almost grasslands hai the type of plants that grow here greatly depend on what the climate and soil are like जो यहाँ पर जितने plantation हो या plant किस तरीके के grow होंगे यहाँ पर उगेंगे वो इस पर निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है या वहाँ की मिट्टी कैसी है एज क्लाइमेट प्लेज एन important रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रास it इट इज़ जनरली यूज एज अ बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड ग्रास लैंड broad टू ब्रॉड कैटेगरीज एक ग्रास लैंड का वहाँ की जलवायु कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि ग्रास लैंड्स किस तरीके की होगी और आमतौर पर क्या होता है वर्ल्ड की जो ग्रास लैंड है इसको हमने दो मुख्य कैटेगरी में इसको विभाजित किया हुआ है दोज दैट अकर इन द टेम्परेट रीजन एक तो वो है जो, जो टेम्परेट रीजन में ग्रो करती है एंड दोज दैट अकर इन द ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा क्या है जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होती है तो पहले हम शुरू में करेंगे द प्रेरीज द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज द प्रेरीज बच्चों जो नॉर्थ अमेरिका आपको ग्लोब में आपको ध्यान होगा नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रास हैं उनको प्रेरीज कहते हैं इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फ्लैट लैंड आपको मिल जाएगी थोड़ा स्लोपिंग भी मिलेगी हिली लैंड भी मिल जाएगी फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर्स वैलीज वुड लैंड कैन बी फाउंड बच्चों आमतौर पर प्रेरीज जो हैं वो ट्रीलेस है वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है ठीक है लेकिन जहाँ पे लो लाइंग प्लेन्स हैं या फिर बहती हुई नदियाँ हैं घाटी है या फिर जहाँ पे वुड वहाँ पे जंगल पाए जा सकते हैं वुड थोड़े बहुत वृक्ष पाए जा सकते हैं टॉल ग्रास अप टू तो टू मीटर्स हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप अब पूरी जो प्रेरीज में क्या होगी दो दो मीटर तक की भी घास आपको लंबी लंबी मिल जाएगी इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास एक्चुअली ये क्या है यह ये समुद्र है घास का द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेंस इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट अब जो प्रेरीज जो हैं ग्रास लैंड उनके ईस्ट वेस्ट में क्या है रॉकी माउंटेंस हैं और ग्रेट लेक्स हैं ईस्ट में Look at the map of North America you can see that the prairies cover parts of USA and parts of Canada. Agar aap map mein dekhenge prairies jo part cover kiya United States of America ka Canada ka. In the USA the area is drained by the tributaries of Mississippi and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan rivers. यूएसए में है जो एरिया वो ट्रिब्यूटरी जो मिसिसिपी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी से कवर अप है और जो कैनेडियन प्रेरीज हैं वो एक नदी है जिसका नाम है साकेट चुवन ठीक है उसकी ट्रिब्यूटरी से कवर है ये बच्चों आप देख सकते हैं प्रेरीज़ की एक फोटो भी यहाँ पर दी हुई है पिक्चर सो नेक्स्ट इज हेयर दिस इज़ द फिगर मैप जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की है नाउ क्लाइमेट तो अभी हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं बींग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ एक्सट्रीम विद एक्सट्रीम टेम्परेचर ये कॉन्टिनेंट के हार्ट में है प्रेरीज की बात हम जब कर रहे हैं ये प्रेरीज जो हैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ये इसमें यू के बिल्कुल मध्य में स्थित है तो इसलिए इसकी जो टेम्परेचर है।, है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर है द समर्स आर वॉर्म विथ टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाइल इन विंटर माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन विनीपे कैनेडा अब जो यहाँ पर जो जलवायु है वो किस तरीके की है गर्मियों में ट्वेंटी डिग्री तक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में माइनस ट्वेंटी डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है विनीपैग में कनाडा में इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन और सर्दियों में क्या होता है एक बहुत बर्फ यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ बहुत थिक जो है ब्लैंकेट ऑफ स्नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट और जो वार्षिक जो यहाँ पर बारिश होती है वो है मध्यम होती है एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस और यहाँ पर घास उगने के लिए एक आइडल रेनफॉल होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर लेकिन जो नॉर्थ साउथ बैरियर अगर यहाँ पर नहीं है इसलिए लोकल विंड जो चलती है उस उसका नाम है चिनूक तो वो यहाँ पर बहती है नेक्स्ट इज़ फ्लोरा एंड फोना प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्री प्रेरीज क्या हैं अधिकतर ट्री हैं वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच एज विलोज एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रोव्स जहाँ पे पानी की संभावना है तो वहाँ पर इस तरीके के पे वृक्ष पाए जाएंगे जैसे विलोज एल्जर्स एंड पॉपुलर्स प्लेस इज दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर फिफ्टी सेंटीमीटर एस आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सॉयल इज़ फर्टाइल अब वहाँ की जमीन तो उपजाऊ है जहाँ पर फिफ्टी डिग्री फिफ्टी सेंटीमीटर तक बारिश होती है वो खेती के लिए सही स्थान है दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पटेटो सोयाबीन कॉटन एंड एल्फा इज़ ऑल्सो ग्रोन यहाँ पे मुख्य जो इनकी फसल है वो मेज़ है मक्का है अदर जो दूसरी खेती जो ये करते हैं उसमें क्या आता है आलू आता है सोयाबीन कपास हो गया और एल्फ एल्फा यहाँ पर ग्रो करते हैं एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरिलाबल ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स अब एरिया जहाँ पे रेनफॉल नहीं है या बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे जो घास है वो बहुत छोटी और कहीं कहीं पर तो नहीं है दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर कैटल रेयरिंग और ये एरिया कैटल को जो पशुपालन के लिए बहुत अच्छा है लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचिज़ आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काओ बॉयज और बहुत बड़ा एरिया जो है कैटल फार्म्स का उनको क्या कहते हैं रैंचज और वहाँ पर कौन उनकी देखभाल करता है काओ बॉयज़ बिशन और द अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन यहाँ का जो है बिशन जो है अमेरिका का बफेलो है जो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है इस क्षेत्र का इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिसक्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज ये विलुप्त होने के कगार पर था लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया गया स्पीसीज को द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रेब्स क्विटिस गोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स और जो दूसरी तरह के एनिमल जो पाए जाते हैं वो ये सब हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों पीपल लोगों के बारे में यहाँ पाए जाने वाले लोग कैसे हैं द पीपल ऑफ़ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत मेहनती हैं हैव सक्सेसफुली हॉर्नेस्ड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज योर रिच नेचुरल रिसोर्सिस और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए Two of the most developed countries in the world, the USA and the Canada, are located in this region. Or Sansarki, Dom Booth, Vikha, just a USA or Canada, voice. Scientific methods of cultivation and use of tractors, harvesters, and combines has made North America surplus food producer. साइंटिस्ट मेथड ये कल्टीवेशन वहाँ पर बहुत आधुनिक तरीके से होता है वहाँ पर ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स का यूज़ होता है कंबाइंस का यूज़ होता है उससे क्या हुआ नॉर्थ अमेरिका का एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बन गया वहाँ पे बहुत मात्रा में फूड भोजन क्रॉप्स उगाए जाते हैं द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड और इन प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी के नाम से जाना जाता है ड्यू टू द्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में एक ह्यूज प्रोडक्शन होता है वीट का गेहूं का डेयरी फार्मिंग इज अनादर मेजर इंडस्ट्री अब यहाँ पर क्या है दुग्ध जो इंडस्ट्री है वो एक मुख्य इंडस्ट्री है दूसरे द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द एटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट जो डेयरी बेल्ट है वो एक्सटेंड हुए ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक ईस्ट में डेरी फार्मिंग एंड एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अब जो डेयरी फार्मिंग है दुग्ध जो फार्मिंग है और एक, बहुत सारी और एग्रीकल्चर होती है ये दोनों प्रमोट करती हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स रेलवेज एंड कैनल्स इन दिस रीजन हैव मेड इट द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन इन द वर्ल्ड अब यहाँ पर क्या है बहुत अधिक मात्रा में मिनरल डिपोज़िट्स हैं मुख्यतः क्या है कोयला और आयरन लोहा और कोयला और एक बहुत अच्छा नेटवर्क है रोड्स का रेलवेज का कैनल्स का इस रीजन में तो इससे क्या हो गया ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है संसार का नेक्स्ट है द वेल्ड द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड अब साउथ अफ्रीका के जो ग्रास हैं टेम्परेट ग्रास उनको क्या कहते हैं वेल्स वेल्स आर रोलिंग प्लेटूज विद वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर वेल्स जो हैं प्लेटो ये इनकी जो हाइट है 600 छः सौ मीटर से ग्यारह सौ मीटर तक होती है इट इज़ बाउंड बाय द ड्रैंकिस बर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट अब ये किससे घिरा हुआ है ड्रैंकिन बर्ग पूर्व की तरफ टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहारी डेजर्ट और इसके पश्चिम में क्या है कालाहारी डेजर्ट

द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन और इस जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ऑरेंज की और लिम्पोपो की वो इस क्षेत्र में बहती हैं ये देखें यहाँ पर एक फिगर ये मैप दिया हुआ है नेक्स्ट है यहाँ की जलवायु क्लाइमेट सो द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन अब इंडियन ओशन की जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट है विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई और जो सर्दियाँ होती हैं वो ठंडी और सूखी होती हैं टेम्परेचर्स वेरी बिटवीन फाइव डिग्री सेल्सियस एंड टेन डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर कितना रहता है पाँच से दस डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ और जुलाई में बहुत ठंड पड़ती है समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म और जो गर्मियाँ होती हैं वो छोटी और गर्म होती हैं जोहानसबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर्स और जोहानसबर्ग में कितना रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर बीस डिग्री सेल्सियस गर्मियों में द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवम्बर टू फेब्रुवरी अब वहाँ पर जो गर्मी का सीजन है नवम्बर से फेबरुवरी वहाँ पर रेनफॉल इन मंथ में होती हैं This is mainly because of the warm ocean currents that wash the shores of the wells. और ये क्यों होती हैं प्राय क्योंकि वहाँ पर गर्म ओशन करंट्स होती हैं the rainfall is scanty in the winter months from June till August, drought में अक्कर अगर वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है विंटर मंथ में जून तक या जून से अगस्त तक तो drought भी हो सकता है वहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है अब वहाँ का फ्लोरा एंड फोना कैसे है द वेजिटेशन कवर इज़ स्पार्श वहाँ के जो वेजिटेशन है बहुत कम है ग्रासेज डोमिनेट द लैंडस्केप और जो पूरे लैंडस्केप में ग्रासेज उगी हुई हैं घास है रेड ग्रास ग्रोज इन द बुश वेल्ड्स अब यहाँ पे लाल रंग की घास है इन द हाई वेल्ड्स एसेशिया एंड द मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग और जो हाई वेल्ड्स हैं यहाँ पर ये दोनों प्रजाति की आप घास उगी हुए देख सकते हैं द एनिमल्स ऑफ द वेल्स आर प्राइमरली और यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं लॉइंस लैपर्स चीता एंड कुडू नाउ नेक्स्ट इज पीपल यहाँ वेल्स के लोग कैसे हैं वेल्स आर नॉन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग वेल्स जो जाना जाता है पशुपालन के लिए और माइनिंग के लिए द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्स ड्यू टू द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस क्रासीज एक्सपोजिंग बैरेंस सर्फेस अब यहाँ की जो मिट्टी है ज्यादा उपजाऊ नहीं है हाउ एवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप आर ग्राउंड लेकिन जहाँ जहाँ अगर मिट्टी उपजाऊ है वहां पर फसलों को उगाया जाता है द मेन क्रॉप्स आर मेज जो मुख्य फसलें हैं वो क्या क्या है मेज मक्का वीट गेहूँ बार्ले औट्स एंड पटैटो कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन और कैश क्रॉप जैसे तम्बाकू गन्ना और कपास भी उगाया जाता है शीप रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है भेड़ को पालना शेप इज ब्रेड मेनली फॉर वूल एंड गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वेल्ड्स और वेल्ड्स में जैसे यहाँ पर शेप का पालना ज़्यादा होता है पशुपालन तो इसलिए वो मेनली किसके लिए ऊन के लिए इनको पालते हैं और इसलिए यहाँ की ऊन की जो इंडस्ट्री है वो मुख्य है मैरिनो शेप इज़ अ पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर वूल इज़ वेरी वॉम यहाँ की जो शेप की जो एक स्पीसीज़ है मैरिनो वो बहुत पॉपुलर है और उसकी जो वूल है वो बहुत गर्म है डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन और रियरिंग के बाद डेयरी फार्मिंग इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन व्यवसाय है इनका कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर चीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट अब जो यहाँ पर कैटल रियरिंग है वार्मर और वेटर रीजन में सूखे और गर्म और गीले रीजन में एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे बटर चीज ये प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक सप्लाई में भी और एक्सपोर्ट के लिए भी द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स वेल्स में बहुत मिनरल में भी रिच है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड हेयर कोल एंड आयरन आर प्रजेंट इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर कोयला और आयरन भी प्रजेंट है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्युपेशन ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन और यहाँ के लोगों का गोल्ड और डायमंड माइनिंग का ऑक्यूपेशन भी मुख्य है जोहानसबर्ग इज़ नॉन फॉर बींग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड संसार में जोहानसबर्ग को गोल्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है किम्बरले इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन्स और यहाँ पर एक जगह है किम्बरले वो फेमस है बहुत ज़्यादा डायमंड माइन्स के लिए माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेट टू दैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटिश ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी बच्चों इसमें क्या बताया है जो डायमंड और गोल्ड की जो साउथ अफ्रीका में माइनिंग है उससे क्या हुआ इस्टेब्लिशमेंट हुआ ट्रेड का किस किसके बीच में ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बीच में फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी के में बन गया दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये मिनरल रिच है एरिया यहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का भी है अब बच्चों आप इस ये पिक्चर देख सकते हैं डायमंड माइन किम्बरले की एक पिक्चर है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बच्चों